हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा एजुकेटर्स। इस वीडियो में हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट टीचर एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन की सेकंड यूनिट का टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन लाइफ पढ़ेंगे। सो इसमें भी तीन पॉइंट्स हैं, हेल्थ, एनवायरमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन। सो ह्यूमन की हेल्थ पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन ओबियसली एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा तो ह्यूमन की हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, एंड डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन भी एक पॉइंट है। सो लेट्स बिगिन विद हेल्थ। हेल्थ ऑफ ह्यूमन हैज़ ऑलवेज बीन एन इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। सो जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, आपने देखा होगा कि हमारा जो हेल्थ होती है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। कभी हमें कुछ डिजीज़ हो जाते हैं, कभी कोल्ड हो जाता है, कभी हीट वेव्स हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करती है, कभी फूड की प्रॉब्लम होती है, एयर की प्रॉब्लम होती है। सो क्लाइमेट चेंज जो है ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड अस विद क्लीन एयर, फूड, वाटर, शेल्टर एंड सिक्योरिटी। द रिपोर्ट ऑफ WHO कमीशन ऑन सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ पॉइंट्स आउट दैट डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, लाइक ऐसी कम्युनिटीज जिन पे क्लाइमेट चेंज का, पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो उनको उनके वजह से उनको कुछ जो भी एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स हैं, पॉल्यूशन हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, केमिकल स्पिल्स हो, उनके वजह से उनकी लाइफ जो है वल्नरेबल हो गई है, डिज़ास्टर हो गई है, ऐसी कम्युनिटीज़ को हम डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ बोलते हैं। सो उनको सबसे ज़्यादा क्या होता है, बर्डन ऑफ क्लाइमेट चेंज लेना पड़ता है। लाइक अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे अभी हम लोग अगर उत्तराखंड में, तो हमें फिर भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। अगर हम ऐसे ही डेजर्ट वाले एरियाज़ में देखें, या कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज है, कोस्टल एरियाज़ में देखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आती है, तो उन लोगों को ज़्यादा बर्डन यानी कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन कंपेरिजन टू अस बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीज एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी टू हेल्थ थ्रेट्स सच एज चेंजेस इन द क्लाइमेट अफेक्ट द एयर वी ब्रीथ बोथ इनडोर्स एंड आउटडोर्स। सो जैसे चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट में, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनडोर एंड आउटडोर एयर की क्वालिटी पे भी अफेक्ट पड़ रहा है। तो आपने देखा होगा जैसे कि जो विंटर सीजन होता है उसमें इतना ज़्यादा फॉग होता है और एयर की क्वालिटी भी पुअर हो जाती है उस टाइम पे। वार्मर टेम्परेचर एंड शिफ्टिंग वेदर पैटर्न्स कैन वर्सन एयर क्वालिटी विच कैन लेड टू अस्थमा अटैक्स एंड अदर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इफेक्ट्स। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन क्लाइमेट। इंडिविजुअल्स विद मेंटल इलनेस आर स्पेशली वल्नरेबल टू एक्सट्रीम हीट। स्टडीज हैव फाउंड दैट हैविंग अ प्री एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेस ट्रिपल द रिस्क ऑफ डेथ ड्यूरिंग हीट वेव्स। सो अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, यानी कि माइंड से रिलेटेड कुछ डिजीजेज हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो उसकी रिस्क ऑफ डेथ ट्रिपल हो जाता है ड्यूरिंग हीट वेव्स, यानी कि जो अभी आजकल गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं जिसको हम लू भी बोलते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, मेंटल इलनेस ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। सो ये क्लाइमेट चेंजेस के क्या है, हेल्थ थ्रेट्स हैं। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जैसे अभी क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, ओजोन लेयर की वजह से, ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इवन स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो आप ह्यूमन हेल्थ में स्किन डिजीजेस भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इफेक्टेड ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स कांट सस्टेन इवन अ स्लाइट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड दे गेट एक्सटिंक्ट। तो ह्यूमन बींग्स तो फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं लाइक कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके, बट एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो दे कांट सर्वाइव एंड दे गेट एक्सटिंक्ट। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर राइज करेगा सो दे विल गेट एक्सटिंक्ट। क्रॉप प्रोडक्शन विल अफेक्टेड ड्यू टू इंक्रीज इन एटमोस्फेरिक
टेम्परेचर, तो ये हम एग्रीकल्चर में पहले ही पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो में देखा था कि क्रॉप प्रोडक्शन भी क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाती है जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज एंड फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज। पीपल विल फेस अ शॉर्टेज ऑफ फूड। सो ओबियसली जब क्रॉप यील्डिंग डिक्रीज़ हो जाएगी, क्रॉप यील्ड डिक्रीज़ होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, लोगों को फूड की शॉर्टेज होगी। हीट ऑल्सो कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो एनवायरमेंट में एक तो क्रॉप की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों को, दूसरा जैसे ही हीट ज़्यादा मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, बिकॉज जो भी ग्लेशियर्स हैं, पोलर रीजन्स हैं, वहाँ पर क्या होंगे, आइस मेल्ट होने लगेगी, और इसके वजह से क्या होगा, सी लेवल जो होता है राइज़ हो जाता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं ग्लेशियर्स वाले टॉपिक में। एज अ रिजल्ट कोस्टल एरियाज़ विल बी इनऑनडेटेड एंड मैनी विलेजेस, टाउनशिप एंड सिटीज़ विल बी अंडर वाटर। सो इनऑनडेटेड मीन्स ओवरफ्लो। तो कोस्टल एरियाज़ में क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो, यानी कि ओवरफ्लो वाटर से हो जाएंगे, फ्लड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो जिसके वजह से क्या होगा, विलेज, टाउन्स, जो भी उसके आसपास के एरियाज़ हैं वो क्या होंगे, अंडर वाटर हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन। क्लाइमेट चेंज हैज़ ऑल्सो इम्पेक्टेड ऑन द माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल। तो हमने जैसे पढ़ा था कि एनिमल्स का डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने फिशरीज़ का पढ़ा था, माइग्रेशन होता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो ऐसे ही क्या होगा, बिकॉज द इंक्रीज नंबर एंड सीवियरिटी ऑफ वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स विच डिस्ट्रॉयज होम्स एंड हैबिटेट्स, कॉजिंग पीपल टू सीक शेल्टर और लाइवलीहुड्स एल्सवेयर। तो हमने देखा होगा जैसे पहाड़ों में से लोग माइग्रेट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वेदर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इतने लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, फ्लड है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, पहाड़ों से प्लेन एरियाज़ में शिफ्ट होते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज सच एज डेजर्टिफिकेशन, राइज सी लेवल्स ग्रेजुअली इरोड लाइवलीहुड एंड फोर्स कम्युनिटीज़ टू अबेंडन ट्रेडिशनल होमलैंड्स फॉर मोर एकोमोडेटिंग एनवायरमेंट। तो सी के आसपास भी जो घर हैं वो भी, वो लोग भी क्या करेंगे, उस एरिया से शिफ्ट होंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा, ओबियसली जैसे हमने देखा था कि एक्वेटिक लाइफ में, फिशेस में फूड से को लेके कंपटीशन होगा, एक दूसरे को मारेंगे, तो ऐसे ही ह्यूमन लाइफ में भी होगा कि फिर एक ही जगह पे, कॉम्पैक्ट जगह पे वो सब क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, विच इज़ गोइंग टू हार्म देम। हैंस वी कैन से द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज नॉट ओनली हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ बट ऑल्सो टू द फैक्टर ऑफ लाइफ प्रोसेस अराउंड द वर्ल्ड। So we need to prepare for and evolve the adaptability for the changes such as early warning systems of heat waves, taking steps to reduce vulnerabilities among population of concern. So अब हमें अपने को prepare करना है, जैसे कि climate change हो रहा है, heat waves इतनी ज़्यादा है, तो हमें अपने को इस तरीके से adjust करना है, इस तरीके से हमें इस change को adapt करना है, यानी कि अपनाना है, और मेनली हमें स्टेप्स भी लेने हैं जिससे कि ये सारी चीज़ें क्या हो, रिड्यूस हो, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, डिफॉरेस्टेशन कम हो और पॉपुलेशन कम हो, ये सारी चीज़ें हमें, ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा नहीं हो। रेजिंग अवेयरनेस अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड इंश्योरिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बिल्ट टू एकोमोडेट एंटिसिपेटेड फ्यूचर चेंजेस इन क्लाइमेट। सो हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जो है अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस फैलानी होगी कि इस तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलना चाहिए, मींस डॉक्टर से, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे मिलना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा बनाना चाहिए, ऐसी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए जो कि जो भी क्लाइमेट चेंजेस हैं, जो भी फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज होने वाले हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको झेल सके। सो ये जो हमने कंटेंट लिया है वो हमने jagranjosh.com से लिया है। सो थैंक्स टू दिस वेबसाइट जिसने हमें इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड कल आपका एग्ज़ाम है टीचर एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन का। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।